वेलकम बैक टू देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं महादेव मोटर्स का स्टॉक दिखाने वाला हूँ आपको, जो छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। एंड आपका कोई भी सवाल है तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, मेरे को जाकर फॉलो कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को पहले बता मैं इनका स्टॉक दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इनके पास में ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा बाजार है तो बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास रहती हैं। तो आज छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाऊँगा। अगर आप यहाँ आना भी चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन सबसे पास में पड़ता है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ का एड्रेस वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। मंडे के दिन मार्केट बंद रहती है और कॉलिंग जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक। एंड जो है दिल्ली वालों के लिए फाइनेंस हो जाता है और 95% तक फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली के हैं वो 70% के लिए 0 फाइनेंस भी कर देते हैं। एंड अदर स्टेट के लिए एक गाड़ी NOC करवा कर दे देते हैं, बाकी सारी सेटिस्फाइड कार मिलते हैं, फर्स्ट ओनर मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो भैया इस वाली गाड़ी के बारे में बताएं मुझे। होंडा सिटी व्हाइट कलर में खड़ी है, दिल्ली नंबर होंडा सिटी। तो क्या मॉडल हो जाएगा ये? 2008 मॉडल है। और कितनी चली है गाड़ी? 54,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। ओनर? फर्स्ट ओनर है। डीजल और पेट्रोल में? पेट्रोल में। और पेट्रोल में इसकी जो चारों के चारों टायर है बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़े हैं और गाड़ी रिपेंट नहीं है, ओरिजिनल पैंट के साथ में है। और ये JCT ZX वर्जन में खड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हैं आप बाहर से, कंडीशन मैंने दिखा दिया है। और पहले मैं आपका इसका अंदर से इंटीरियर दिखाऊंगा गाड़ी का, उसके बाद मैं आपके सामने प्राइस शो करूंगा। तो ये है गाड़ी का अंदर से इंटीरियर। तो ये देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर हो जाएगा अंदर से। तो ये है अंदर से इस गाड़ी का इंटीरियर। तो प्राइस क्या भैया इसका? प्राइस क्या है इसका? 2,10,000 रुपये। और ये गाड़ी मिलेगी आपके 2,10,000 रुपये की। और जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ वो नेगोशिएबल बता रहा हूँ, और आप जब इसकी डील करने के लिए आएंगे तो ये कुछ कम बढ़ती हो जाएगी। अगर आप मेरे रेफरेंस आते हैं तो और भी कम हो जाएगा। ओके भैया, ये जो डस्टर खड़ी है इसके बारे में बताएं मुझे ज़रा। 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है। फर्स्ट ओनर 51,000 चली हुई है। 51,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ओनर क्या हो जाएगा भैया? फर्स्ट ओनर। और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है? हाँ जी भैया कंप्लीट है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं इसके टायर वगैरह देख लें आप पहले इस गाड़ी के। तो ये टायर है और ओरिजिनल पैंट के साथ में खड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो गाड़ी में कोई दाग वगैरह भी नहीं है, तो देख सकते हैं आप। तो चारों टायर इसकी अच्छे कंडीशन में है, ये मैं दिखा दूंगा आपको। तो पूरे बाहर से मैंने कंडीशन दिखा दिया, अब इसका मैं आपको पहले अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का इंटीरियर डस्टर का, और इसका जो इंटीरियर है अंदर से वो पूरा लेदर में, इसका सारी सीटें और सामने से देख सकते हैं आप। तो ऑल म्यूजिक सारा वर्क कर रहा है, AC ओके है गाड़ी का। तो अब बता देता हूँ मैं इसका प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा ब्रदर? 5,50,000। तो इसका जो प्राइस है 5,50,000 है और दिल्ली नंबर गाड़ी है, और जो मैंने प्राइस बताया वो आपको नेगोशिएबल बताया, बाकी गाड़ी की कंडीशन ओके है बिल्कुल। तो अब बात आती है इस वाली गाड़ी की। तो भैया इस वाली गाड़ी के बारे में बताएं थोड़ा सा मुझे। मोबिलियो गाड़ी है। मोबाइल?
होंडा मोबिलियो गाड़ी खड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो मॉडल नंबर क्या हो जाएगा भैया? 2014 मॉडल है सर ये। ये 2014 मॉडल गाड़ी खड़ी है, डीजल, और ये डीजल में है। और भैया ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल है ना? हाँ जी भैया, नॉन एक्सीडेंटल है। पेपर वगैरह सारे ओके हैं, गाड़ी और ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है। और कितनी चली है गाड़ी भैया? 52,000। और ये 52,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, और ये फैमिली कार में भी आती है। तो गाड़ी के टायर है ना, वो चारों ओके कंडीशन में है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो गाड़ी ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है। तो ये पीछे से इसका गाड़ी का जो लुक हो जाएगा, और देख सकते हैं इस गाड़ी का लुक, देख रहे हैं आप, गाड़ी में कहीं से भी दाग नहीं है। और पहले मैं इसका आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का, उसके बाद मैं इसका प्राइस शो करूँगा आपके सामने। तो इसको बोलते हैं फैमिली कार भी बोलते हैं, और देख सकते हैं इसका अंदर से गाड़ी का इंटीरियर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन इंटीरियर है। और साथ में एसी भी वर्क कर रहा है, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा ओके है। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ी है, और इसको फैमिली कार भी बोला जाता है। एर्टिगा भी फैमिली कार होती है, ये भी फैमिली कार होती है। तो देख सकते हैं कंडीशन गाड़ी की, इसकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी है, सामने से प्लस 7 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी है। तो इसका प्राइस बताएं भैया? 5.5 लाख। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है वो है 5.5 लाख रुपये, और ये भी नेगोशिएबल है। बाकी इस वाली की मैं बात करते हैं, ये भी दिल्ली नंबर खड़ी। तो इस वाली गाड़ी के बारे में बताएं भैया, गाड़ी कौन सी है? होंडा वर्ना है 2012। होंडा वर्ना है 2012 खड़ी है, और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है इसकी गाड़ी की, देख सकते हैं कोई दाग वगैरह भी नहीं है गाड़ी में। तो ओनर कितना हो जाएगा भैया? फर्स्ट ओनर। और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, कितना चली है भैया? और ये 48,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ी है। इसके टायर देख सकते हैं आप। ओनर क्या भैया? और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल है पेट्रोल में? तो दोस्तों डीजल में है। तो कंडीशन देख लो गाड़ी की, कोई दाग वगैरह भी नहीं है गाड़ी में। तो इसका मैं आपको अंदर से पहले इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी की, बाकी अच्छी प्रोफाइल है इसकी सारे की सारी। और ये और ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है। तो चारों तरफ से गाड़ी ओके है बिल्कुल। तो अब मैं इसका आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। और जो इसका इंटीरियर है ना, उसका कलर है क्रीम, और ये लेदर में सारा इंटीरियर है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लीन इंटीरियर है। तो एसी वगैरह भी वर्क कर रहा है इसका। और अब मैं इसका आपके सामने प्राइस शो करता हूँ। तो इसका प्राइस कितना है? 4,25,000। और ये 4,25,000 रुपये की आपके यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि नेगोशिएबल प्राइस मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो गाड़ी की कंडीशन देख लें आप। तो अब इसके बारे में बताएं भैया मेरे को, ये गाड़ी कौन सी? होंडा एक्सेंट। तो एक खड़ी है होंडा एक्सेंट वाइट कलर में, दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो कितना चली है गाड़ी? 42,000। और ये 42,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ओनर? फर्स्ट ओनर। और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है? 2015। और 2015 मॉडल है। तो देख सकते हैं इस गाड़ी की कंडीशन। और ओनर? फर्स्ट ओनर। और फर्स्ट ओनर है। चारों गाड़ी के जो टायर है वो ओके कंडीशन में है बिल्कुल, और ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है इसकी। तो देख सकते हैं वाइट कलर में खड़ी है। तो अब मैं इसका पहले आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये डीजल है पेट्रोल में? डीजल। तो ये डीजल में है गाड़ी। तो मैं आप अंदर से इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो इसका आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का। तो ये इंटीरियर है गाड़ी का, चारों सीटें जो है कपड़े में है। और तो ये इसका डैशबोर्ड हो जाएगा। तो एसी वगैरह सारा वर्क करा है गाड़ी का, और म्यूजिक वगैरह सारा ओके है। तो अब मैं आपको इसके सामने प्राइस शो करता हूँ। तो प्राइस कितना हो जाएगा इसका? इसका प्राइस है 4 लाख। और ये आपको मिलेगी यहाँ पर 4 लाख रुपये मिलेगी, जो कुछ नेगोशिएबल प्राइस है। तो अब बात करते हैं इस वाली गाड़ी की। तो इस वाली गाड़ी के बारे में बताइए। टाटा जेस्ट खड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो क्या मॉडल हो जाएगा? फर्स्ट ओनर 2015 मॉडल। 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। और क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, कितनी चली है गाड़ी? 42,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और इसकी जो गाड़ी की खासियत है, बहुत ही अच्छी है सारी की सारी, और ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है, और चारों के चारों टायर है बिल्कुल ओके कंडीशन में है। डीजल में पेट्रोल में? डीजल में।
तो दोस्तों डीजल में ये गाड़ी, तो इसकी कंडीशन देख ले एक बार आप बाहर से पहले। तो मैं आपको बाहर से पहले कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की। ये कंडीशन है गाड़ी की। तो पहले इसका अंदर से इंटीरियर देख लेते हैं। तो ये गाड़ी का जो है लेदर में इंटीरियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये इंटीरियर है गाड़ी का, और टच वगैरह सारा काम करा, एसी भी वर्क करा है, और पूरा का पूरा जो इंटीरियर है इसका लेदर में है। तो अब इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। और दोस्तों ये आपको मिलेगी है 4 लाख रुपए की मिलेगी, और ये भी जो प्राइस है नेगोशिएबल है, बाकी दिल्ली नंबर गाड़ी है, और देख सकते हैं इसकी प्रोफाइल पूरी। तो अब इस वैगनर के बारे में बताएं भैया। 2013 मॉडल ग्रीन सीएनजी है। तो दोस्तों दिल्ली नंबर खड़ी है 2013 मॉडल, 13 मॉडल खड़ी है ग्रीन सीएनजी में। एलएक्सआई वर्जन में खड़ी है। और क्या बोलते हैं भैया ये गाड़ी चली कितनी है? 42,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है? हाँ जी भैया, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है। तो इसके टायर वगैरह देख सकते हैं आप सारी गाड़ी के, चारों के चारों टायर अच्छी कंडीशन में है, और गाड़ी में दाग नहीं है बिल्कुल भी, जो कि और ओरिजिनल पैंट के साथ में खड़ी है। तो देख लें गाड़ी की कंडीशन। अब मैं इसका आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये है गाड़ी का इंटीरियर अंदर से। तो ये इंटीरियर हो जाएगा गाड़ी का अंदर से, और ब्लैक कलर का इंटीरियर है, और लेदर में सारी सीटें हैं इसकी। तो देख सकते हैं, अब मैं आपके इसका सामने प्राइस शो करूंगा आपके। तो इसका प्राइस क्या भैया? 2,40,000। और ये 2,40,000 रुपये की आपके यहाँ पर मिल जाएगी। दिल्ली नंबर गाड़ी है, और गाड़ी की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, गाड़ी में कोई दाग वगैरह भी नहीं है। तो अब इसके बारे में बताएं भैया। i10 2010 मॉडल। तो दोस्तों ये खड़ी है वाइट कलर में, i10 2011 मॉडल, 2011 मॉडल खड़ी है। दिल्ली नंबर है कौन सी है? एरा वर्जन में है। तो डीजल में पेट्रोल में? पेट्रोल। तो दोस्तों ये गाड़ी खड़ी है पेट्रोल में खड़ी है। ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है। तो गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कंडीशन है, और ये गाड़ी चली हुई है 42,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है। बाकी आप इसका अंदर से इंटीरियर देख सकते हो गाड़ी का। तो ये गाड़ी का इंटीरियर हो जाएगा अंदर से, और इसका जो इंटीरियर है वो लेदर में है, बाकी सारा वर्क कर रहा है, एसी वगैरह म्यूजिक सिस्टम सारा ओके है। तो इसका प्राइस कितना भैया? और ये गाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पर 2,40,000 की मिलेगी, जो कि दिल्ली नंबर खड़ी है, और गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है गाड़ी की। तो दोस्तों मैंने इसमें स्टॉक दिखाया, छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाई। कोई सी भी गाड़ी आपको पसंद आई हो तो डील क्रैक कर सकते हैं आके यहाँ पे। एड्रेस वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।